आप जैसे कह रहे हो मेरे को हरियाणा का हुक्का पसंद है, हाँ हाँ। तो एक बार आपने पता क्या डायलॉग मार रहे हैं, यार हरियाणा ते तेरा यार हरियाणा, एक बार ऐसे कर दो, यार हरियाणा ते तेरा यार हरियाणा, दोबारा यार हरियाणा ते यार हरियाणा, हरियाणा ते सोआ पर भारी दो चल, अभी स्नो फॉल हो रही है, बहुत ज्यादा हैवी है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी सबके। कल रात को हम माता वैष्णो देवी से उतराई करके कटरा पहुंच गए थे, मतलब रात को चले थे, सुबह 5:30 बजे यहाँ पे हम रूम में पहुंच गए थे, और हम सुबह 5:30 बजे से ले गए, सुबह 11 बजे तक सोए हैं। अब तैयार होके जा रहे हैं, पटनीटॉप का प्लान बन रहा है, देखते हैं बस में जाएंगे या टैक्सी में, जैसा भी होगा। और कह तो रहे हैं वहाँ पे स्नोफॉल के चांस है, चांस क्या होएगी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है स्नोफॉल होएगी। और आपको मैं रूम की हालत दिखाता हूँ कैसी हो रही है, बस पैकिंग हो रही है, और पैकिंग करते सर हम निकल रहे हैं। ये देखिए, ये गुल्लू का बैग पूरा तैयार हो रहा है, सारा कुछ मैंने अपना बैग उधर पैक कर दिया है, इधर गुल्लू और कांच के कपड़े पैक हो रहे हैं, और इसमें हमने सारा प्रसाद रख दिया है, और बस 5-10 मिनट में पूरा यहाँ रूम मतलब चेकआउट करके निकल रहे हैं। और अगर आपने इससे पहले वाला लोग वैष्णो देवी वाला नहीं देखा तो पहले वो वाला जाके जरूर देखना, क्योंकि वो भी आपको पूरा डिटेल में बता रखे कि कैसे कैसे हम गए थे, कैसे वापस आए, कितना टाइम लगा, कितना नहीं स्नोफॉल हुई वहाँ पे या कुछ नहीं, वो सब कुछ आपको उसी व्लॉग में पता लगेगा। भाई सब यहाँ पे भी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मतलब यहीं पे अगर यहाँ पे बारिश हो रही तो ऊपर तो बर्फ़ पड़नी ही पड़नी है। तो भाई बस जा रहे हैं रूम देखने के लिए, और अभी तक तो यहाँ पे स्नो का मतलब स्नो का तो कोई चांस लग नहीं रहा, बारिश आ रही है, अगर रात तक पड़ जाएगी ऊपर यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर जाके नाथा टॉप है, कह रहे वहाँ पे पड़ रही है, वहाँ पे जाना तो कल जा सकते हो, कह रहे वैसे रात तक पड़ जाएगी जो चांस है। और पीछे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, वो आपको दूर से दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे स्नो पड़ चुकी है, ये मेरे ख्याल यही है नाथा टॉप कह रहे थे। और क्या कहते हैं, अब जा रहे हैं रूम देखने के लिए, और कटरा से यहाँ तक पटनी टॉप हमें 3 घंटे लग चुके हैं, और मतलब बस पे ही आए हैं, बस पे पहले कटरा से उधमपुर, उधमपुर से पटनी टॉप, मतलब 50 रुपये लगे थे हमारे कटरा से उधमपुर तक के, और उधमपुर से यहाँ तक के मेरे ख्याल 70 रुपये लगे हैं, तो मतलब 120 रुपये में कटरा से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर रूम लेंगे और थोड़ा रेस्ट करके फिर बाहर घूमेंगे। यहाँ से व्यू देखो गाइस कितना बढ़िया आ रहा है, बादल एकदम मतलब पूरी स्पीड में इधर से उधर जा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जा रहा है यहाँ से। तो चलो 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 गाइस, अब चलते हैं रूम लेने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी बाहर ठंड ज़्यादा हो रही है और अंधेरा भी होने वाला है, तो इस करके पहले रूम ले लेते हैं। भाई साहब अभी तक कहीं भी ठंड नहीं लगी थी, मतलब घर से चलते हुए भी ठंड लगी थी, मैं कह रहा इससे ज़्यादा मतलब वैष्णो देवी तक तो ना इतनी ठंड नहीं थी, इससे ज़्यादा तो हमारे बाला में ठंड पड़ती थी, पर अब यहाँ पहुँचे ना पटनी टॉप पे, भाई साहब हाथ सुन हो गए, देखो हाथ लाल हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अभी तो कह रहे रात को बर्फ़ पड़ जाएगी यहाँ पे, कह रहे हैं कह रहे पड़ गई ठीक है, नहीं तो कल ऊपर घूमाना नाथा टॉप है वहाँ पे देखाना, अगर पड़ गई तब भी ठीक है, नहीं पड़ी तो तब भी ठीक है, कौन सा हम पहली बार बर्फ़ देखने हैं, हमने काफ़ी बार पहले देखी हुई है। बस स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं गुल्लू, एकांश और आपका भाई हनी, बस देख लें एक दो होटल देखे हैं, समझ नहीं आया इतना खास नहीं था, अब देखते हैं कोई अच्छा होटल मिलेगा तो वो ले लेते हैं। ये केबल कार घूम रही है, ये देखो एक ऊपर से नीचे आ रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है। तो गाइस अभी रूम ही देखने जा रहे थे, और आपको खुशखबरी दे दूं, हल्की हल्की बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है, मतलब अभी बूंदी वाली है, थोड़ी देर में देखना मोटी मोटी बर्फ गिरेगी, आपको दिखाऊंगा नजारा आ जाएगा। हाँ भाई खुशी हो रही है बहुत, अभी देखो ये कह रहा था बर्फ देख रही, बर्फ देख रही है, अभी कह रहा मैं अगर रात को दिखाऊंगा, रात को क्या अभी पड़ गई है। तो गाइस हम रूम ही देखने जा रहे थे साथ में अंकल मिलके लोकल ही, मतलब अंकल कह रहे मैं ऊपर जा रहा हूँ आप साथ में चल लो हमारे, तो अंकल कह रहे कहाँ से, मैं अम्बाला से, कह रहे हरियाणा से, मैं कह हाँ जी, कह रहे वो लायो, मैं क्या, कह रहे हुक्का, अंकल भी हुक्का के शौकीन है, लेकिन कह रहे अंकल, कह रहे हरियाणा से जितने भी आते हैं हुक्का ले जाते हैं, मैं कह अंकल इस बार हम बस पे आए थे, अगली बार गाड़ी पे आएंगे तो लेके आएंगे आपको भी बिठाएंगे साथ में, शौकीन हो आप भी है, आपने घर रखा होगा फिर अपने, हाँ रखा है कश्मीर में, ये भी तो कश्मीर ही है, ये जम्मू है, अच्छा ये जम्मू साइड पड़ता है कश्मीर, वो श्रीनगर साइड, वो बहुत बढ़िया है फिर, ये कुछ नहीं है, अच्छा ये क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, अच्छा जी कश्मीर तो कश्मीर है। अंकल पीछे से काफी देर से चल के आई जा रहे हैं, हमें 2 मिनट हो चले हुए, सांस फूलने लगे, अंकल कह रहे हमें तो कुछ हो नहीं रहा, इनकी रोज का काम है ना, रोज अप डाउन काफी, कितने किलोमीटर चलते हो, हम करते हैं 10 किलोमीटर
10 किलोमीटर रोज चलते रहते हो? हमारे जैसा 10 किलोमीटर चल जाए ना ऐसी तैसी हो जाए। और अंकल पहाड़ों पर 10 किलोमीटर चल रहे हैं, हम सब प्लेन एरिया पर नहीं चला जाता 10 किलोमीटर? 55 मेरी एज आ रही है। 55 एज? अच्छा, बड़ा हो चुका हूं। नहीं नहीं लगते नहीं हो वैसे? लगता नहीं है ना। वो वही तो है, मतलब जितना चलोगे गर्म खून रहता है ना, मेंटेन रहता है ना, मेंटेन रहता है, एज तो है ही है। हाँ जी हाँ जी। ये देखो पीछे रुक गया, ये देखो पीछे रह गया गाइस, पीछे देखो अंकल आगे निकल आए हैं और ये पीछे रह गए, देख लो। तो गाइस चारों तरफ कोरा ही कोरा हो गया, देखो पूरा माहौल बना हुआ है स्नोफॉल का, बहुत ज्यादा मतलब मजा आ रहा है। चल चल के इतनी ठंड नहीं लग रही, अब रुकते हैं तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, पर हम चली जा रहे जैसे ऊपर की तरफ तो ठंड भी कम लग रही है, क्योंकि बॉडी हीट मारती है ना इस करके। बाकी बहुत मेहनत लग रही है यार, गाड़ी में नहीं आया ना इस बार, गलती कर दी, पहली बार बस पे आए हैं, और बस पे मैं कह रहा ठीक रहता फिर भी है। हमारा पहले प्लान यही था कि गाड़ी में आएंगे, पर गाड़ी में क्या कहते हैं, क्योंकि अपने इलाके में ना फोग बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस करके घर वालों ने अलाउड नहीं करा कि गाड़ी में नहीं जाना। तो फिर हमने सोचा कि जाना तो है ही है, या बस पे चलो या ट्रेन पे। तो एकदम ट्रेन की टिकट मिली नहीं, हमने बस की टिकट कराई तो पहुंच गए। अंकल जी, हाँ जी, जैसे आपसे हमने बातचीत करी, हमें आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। क्या करेंगे बेटे, बस नेचर का ही खाता बंदा, नेचर। आप मेहमान है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम भी हरियाणा में चले जाएंगे, हाँ जी, तो हम भी मुसीबत में फंस सकते हैं। इंसानियत जो है ना हर एक में होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा एक मेरे को काम आपसे, आप जैसे कह रहे हो मेरे को हरियाणा का हुक्का पसंद है, तो एक बार आपने पता क्या डायलॉग मार रहे हैं, यार हरियाणा ते तेरा यार हरियाणा ते, एक बार ऐसे कर दो, यार हरियाणा ते तेरा यार हरियाणा ते, यार हरियाणा दे यार हरियाणा दे, ऐसे यार हरियाणा ते तेरा यार हरियाणा दे, एक बार दोबारा, यार हरियाणा दे यार हरियाणा, यार हरियाणा तेरा यार हरियाणा ते, सोआ पर बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे मतलब इतने ऊपर पहाड़ों पे आ गए हम, मतलब अपने इलाके में नहीं आए फिर भी इतने अच्छे इंसान मेरे यार, देख लो भगवान के बंदे अंकल, मैंने ये मान लिया। अब अंकल को मैंने कहा अंकल हमें तो इतना यहाँ का पता नहीं है, आप हमारी हेल्प कर दो, हमें कोई अपना अपने हिसाब से ना कोई अच्छा सा होटल दिखा दो। अंकल कह रहे आ जाओ बेटा, मैं अपने हिसाब से तेरे बढ़िया होटल दिखाऊंगा। किधर किधर अंकल जी? ये सामने दिख रहा है, ये सामने वाला होटल अंकल, बगल में होटल है। तो गाइस फाइनली हम रूम में पहुंच चुके हैं, हमें रूम मिल चुका है, 2000 रुपए का रूम मिला है, मतलब नॉर्मल रेट है पटनी टॉप के हिसाब से, वैसे तो ठीक है, मतलब अगर पटनी टॉप में ट्राई करोगे ना कोई भी 3,000-3,500-4,000 से कम का रूम कहीं नहीं मिलेगा। हमने एक दो जगह ट्राई किया था, वहां पे 3,500-4,000 इतने के कह रहे थे, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बाहर का व्यू अच्छा होना चाहिए वो हमें ठीक ठाक मिल रहा था, तो हमने कह दिया दे दे भाई जो भी है। और मैं आपको रूम दिखाता हूँ कैसा है, ये देखो ये LED लगी हुई है, साथ में अलमीरा भी है, बाहर का व्यू यहाँ से बढ़िया आएगा, अगर स्नो गिर गई तो मजा आ जाएगा। और ये बेड लगा हुआ है, ये कांश भाई बैठा हुआ है मोबाइल चला रहा है, सहेली से लगा हुआ है। और वॉशरूम दिखाता हूँ आपको मैं, ये मिरर है वॉशरूम, ये वॉशरूम है। बारिश हो रही है भाई साहब, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। क्या लाना बोलो, किधर खाना है? कुलचा 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 आपने भी? कुलचा साथ है यार, ये दो कुलचे लगा दो भैया, दो कुलचे लगा दो, हम यहाँ साथ में बैठे न्यूट्री वाला। हाँ चला आप इतना यहाँ पे बैठ के मोमोज खाते हैं, मोमोज की शक्ल दिखाना। गाइस देखिए स्नोफॉल शुरू हो चुका है, रूम के बाहर से रूम का रूम की विंडो से व्यू है, मतलब देख लो अभी तो हल्की हल्की पड़ रही है, बाकी थोड़ी देर तक तो लगता कि और तेज हो जाएगी और मजा आ जाएगा फिर तो। यहाँ तो अगर रात को अच्छे से पड़ गई ना तो यहाँ सारी बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, अभी तो आपको कुछ नहीं नीचे नजर आ रहा होगा, अगर रात पड़ गई तो सारा सफ़ेद चादर भिज जाएगी यहाँ पे, यहाँ देखो। तो गाइस जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर हमारी किस्मत में होगा तो बर्फ देखने को मिल ही जाएगी, तो फाइनली गाइस देखो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बर्फ पड़ रही है, लाइव स्नोफॉल, मतलब अभी 10 मिनट ही हुए हैं शुरू हुई हुई को, अभी अगर ऐसे ही कम से कम 1 घंटा ऐसे ही पड़ गया ना बर्फ, यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा, सारी चादर मतलब सारा ढक जाएगा, वाइट हो जाएगा सारा। आपको दिखाता हूँ, ये देखो कैसे पड़ रही है, काफ़ी फास्ट है, मतलब हैवी स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये, बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी एकदम से, ये देखो। दो गाइस डिनर बन के तैयार हो चुका हमारा और आ चुका है, बस डिनर करके बाहर चलते हैं, थोड़ा बहुत घूम फिर के आएंगे और स्नो देखते हैं थोड़ी देर तक और ज़्यादा हो जाएगी। और बाकी एक आंश भाई बैठा है और ये हमारा भाई है वीडियो कॉल पे कनाडा से, प्रगेश। प्रगेश क्या हाल है भाई, व्लॉग में ले लिया
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नवे दिन की शुरुआत हो चुकी है और रात को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी हमें, क्योंकि हमारे जो बेड थे ना उस पर हीटेड शीट्स लगी हुई थी। मतलब बटन दबाओ बेड पूरा गर्म हो जाता था। मतलब पहले तो 2-3 घंटे नींद नहीं आई, फिर उसके बाद नींद आ गई थी बढ़िया, और सुबह उठा तो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। रात को बस 5 मिनट ही थी बढ़िया वाली, उसके बाद कोई नहीं थी। और अब बाहर का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर बिल्कुल भी स्नो का नामो निशानी है, धूप निकली हुई है और ये सामने आप देख सकते हो ये स्नो पड़ी हुई है सामने पहाड़ पे, रात को ही पड़ी थी। और व्यू बढ़िया है सामने जो आप देख रहे हो ना, ये नाग टेंपल है सामने। एक मिनट मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये नाग टेंपल है। और बस अब रेडी हो गया, बाहर जा रहे हैं, देखते हैं जहाँ भी जाएंगे। मतलब एक तो यहाँ पे नाग टेंपल है, एक पार्क है, और फिर वापसी जाने की तैयारी है। वापस ट्रेन की टिकट हमने बुक करा ली थी, मतलब हमने पहले ट्राई करी, 2 बार ट्राई करी, कोई नहीं टिकट बुक। फिर गुल्लू ने अपने फ्रेंड से करवा दी थी, उसने वहाँ से टिकट बुक करा के हमें भेज दिया है। हमारी शाम 6 बजे की ट्रेन है उधमपुर से अम्बाला कैंट की। तो गाइज रूम से हम बाहर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं नाग टेंपल में, जो कि 700 साल पुराना टेंपल है, बिल्कुल हमारे सामने ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से रास्ता जाता है नाग टेंपल के, यहीं पे बिल्कुल। फिर नाग टेंपल में दर्शन करके उसके बाद जाएंगे पार्क में, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। मतलब पटनी टॉप में 2-3 जगह है, एक तो नाग टेंपल, दूसरा पार्क है, और तीसरा नाथा टॉप है। उसके लिए टैक्सी जाती है ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर। तो हमारे पास तो इतना फालतू टाइम है नहीं कि हम वहाँ पर भी जाए, क्योंकि हमारी शाम 6 बजे की ट्रेन है उधमपुर से अम्बाला कैंट के लिए। तो गाइज अब बस खा पी के मत्था मुथा टेक के चलते हैं, और थोड़ी थोड़ी स्नो भी पड़नी दोबारा शुरू हो रही है। अरे क्या हाल है भैया, पहचान लिया कि नहीं? पहचान लिया, पहचान लिया। रात की आपकी जो चाय थी ना, हमने सुबह बहुत मिस करी। सुबह होटल वालों को चाय दे दे, उसमें चाय नहीं है। मैं कहा भैया के पास जाके पियेंगे, अब बना दो 3 चाय बना दो बढ़िया। वो तो सुनो, तो गाइज स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है सुबह दोबारा। ये देखो अब बहुत अच्छी, अब दोबारा से बढ़ गई स्नो, अब पड़ी है बढ़िया, बहुत बढ़िया पड़ रही है। तो गाइज यहाँ पर मेरे भैया पहाड़ी दिस कुल्हाड़ी, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। ऑमलेट जैसी लग रही है, ऑमलेट जैसी। अंडा नहीं है ये वो दबा के बनाई है। गुल्लू भाई तेरे को कहा था थोड़ी देर चल लेते, इतने जल्दी पहुंच के भी हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब भाई फिर धक्के खाते हो, आते हो सीधा तो आए हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं उधमपुर के रेलवे स्टेशन पे, 6 बजे की ट्रेन है और हम पहले ही पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चेकिंग होगी मेरे ख्याल स्टेशन में अंदर बढ़ने से पहले। पहले हम प्रोग्राम था कि यहाँ से हम घर जाएंगे अपने अम्बाला कैंट, पर अब एकांश भाई कह रहे हैं यहाँ पे ट्रेन खड़ी है जो कि जा रही है कश्मीर, मतलब श्रीनगर। अब भाई कह रहा है कि श्रीनगर चलते हैं, बोलो चलें फिर, चलो चला जाए फिर, चले बिना टिकट के बैठ जाएंगे। पहुँच चुके हैं उधमपुर के रेलवे स्टेशन पे, 4 बजे हम वहाँ से पटनी टॉप से निकले थे 2 बजे, और यहाँ 4 बजे पहुँच गए आराम से। अब यहाँ से 2 घंटे बाद की हमारी ट्रेन है जो कि अम्बाला कैंट हमें छोड़ेगी। तो गाइस 6 बजे की ट्रेन थी और 1 घंटा पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है यही वाली ट्रेन है। और हमारा हम जहाँ बैठे हुए थे ना वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए, और उसी जगह पे ही आके B2 हमारा कोच है वहीं पे आके रुक गया हमारे सामने बिल्कुल। अब बस थोड़ी देर फोटो शूट करवाते हैं फिर उसके बाद अंदर चले जाएंगे। अभी ट्रेन अभी बंद है क्योंकि अंदर सफाई सफुई का काम चल रहा है। मतलब 6 बजे निकल जाएंगे यहाँ से तो रात 1 बजे तक पहुँच जाएंगे हम अम्बाला कैंट। सारे सो गए ट्रेन में, एक ये और एक ये दोनों उठे पटे भाई, सोने नहीं दे रहे। देखो सारे लाइट बंद करके सोए हुए हैं ट्रेन में। क्या